हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड परीक्षा 2022। जी हां दोस्तों, आपने सही देखा, इस वीडियो को हम स्किप। जो भी स्टूडेंट इस बार यानी 2020 में 9th में एडमिशन करवाए हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट जानकारी है। और उन लोगों का जो है मालूम होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस बार फिलहाल शुरू हो गया है, तो उसको किस प्रकार आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा फुल डिटेल के साथ इस वीडियो में फॉर्म फिलअप करके आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर सबसे पहली बार न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे में रेड कलर का निशान मिलेगा, सब्सक्राइब के निशान, उस पर क्लिक करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि न्यू अपडेट हमेशा इस चैनल पर बिहार बोर्ड से आता रहता है। तो चलिए अब बात करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये फॉर्म फिलअप आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, घर बैठे अपने मोबाइल से यहां पर कर सकते हो स्टेप बाय, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला। अगर ये वीडियो आप लोग आसानी से देख लेते हो तो आप लोग को फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। फुल डिटेल के साथ आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आपको क्या करना है। चलिए मैं आगे अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर, गूगल क्रोम चाहे जो भी ब्राउजर आपके मोबाइल में है, ओपन कर लेना है। चलिए जैसे कि मैं सिंपली अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर आप लोग होम स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने एक ब्राउजर ओपन कर चुका हूँ, ये क्रोम ब्राउजर है। और सिंपली आप लोगों को सर्च बॉक्स में चले जाना है और सिंपली आप लोगों को सर्च करना है बिहार, लिख देना है यहाँ पर बिहार। बिहार लिख के आप लोगों को बोर्ड उसी में लिख देना है, बिहार बोर्ड। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मैंने बिहार लिख चुका हूं और उसके बाद बोर्ड लिख रहा हूं यहां पर BOARD, बिहार बोर्ड लिख कर सिंपली आप लोगों को क्या करना है, डॉट देना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ऑनलाइन लिख देना है, बिहार बोर्ड डॉट ऑनलाइन। ये लिख कर सिंपली आप लोगों को क्या करना है, सर्च कर देना है। अगर ये सब सर्च करने में थोड़ा भी दिक्कत होता है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है, सिंपली आप लोग को उस पर जाकर क्लिक करके आप लोगों को इस वेबसाइट पर चले आना है। लेकिन इस वेबसाइट पर वहाँ पर जाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख ले, नहीं तो आप लोगों को फॉर्म फिलअप होने में बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि बहुत स्टूडेंट करता है कि जैसे मैं आप उसको बता देता हूँ कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा तो वहाँ से चले जाता है, क्लिक करके अपने से फॉर्म फिलअप करने लगता है और गलती कर जाता है। इसीलिए पहले एक बार इस वीडियो को देख लो पूरा, उसके बाद फिर से आप लोग क्या करना है ये प्रोसेस करके एक बार क्या होगा, 5 मिनट समय देने में आप लोगों को क्या लगता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इसको सिंपली सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं आप लोगों को सर्च करके यहाँ पर दिखाता हूँ। सर्च करने के बाद कुछ आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क स्लो चल रहा है, इसी कारण बस ये आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, सर्च करने के बाद कुछ आप लोगों के इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और सिंपली आप लोग नीचे करके यहां पर देखना है सभी चीज़ आप लोगों के, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। यहां पर देख लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, यहां पर दिखाई दिया होगा आप लोगों को सभी चीज़, इसमें दिखाई दिया होगा। नीचे जाने के बाद आप लोगों को सिंपली ये सब सभी चीज़ देखने को मिलेगा। तो सिंपली आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर 3 डॉट पर सिंपली सबसे पहले क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए, 3 डॉट पर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है। चलिए मैं आप लोगों को क्लिक करके दिखाता हूँ। क्लिक करते हैं, कुछ आप लोगों के इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, सभी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। सभी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन परमिशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद एप्लीकेशन है, रीप्रिंट, चलान, इसके बाद फी, यहाँ पर सभी चीज़। ये कॉलेज का है तो आप लोगों को कुछ यहाँ पर नहीं करना है, आप लोगों को सबसे पहले मैं फॉर्म जो डाउनलोड किस प्रकार होता है ये सब करना है ना। तो सबसे पहले आप लोगों के रजिस्ट्रेशन परमिशन है, इस पर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोगों को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद आने के बाद कुछ आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और सिंपली आप लोगों को नीचे जाना है। यहां पर देख लीजिए लिखा होगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, यहां पर रजिस्ट्रेशन परमिशन पेज। इसके बाद नीचे जाने के बाद देख लीजिए, एग्जाम ईयर 2022। जी हाँ दोस्तों, यही आप लोगों को है जो इस बार 2020 में 9th में एडमिशन करवाए उसके लिए है, जो इस बार फिलहाल 9th में एडमिशन करवाए और 2022 में वो फाइनल 10th का एग्जाम देगा उसी के लिए है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक भरिए, अभी फिलहाल एक वर्ष पहले इस बार फॉर्म भरा रहे हैं। तो सिंपली आप लोगों को किस प्रकार फॉर्म डाउनलोड करना है, तो सिंपली यहां पर देख सकते हैं ऊपर में व्यू डाउनलोड रजिस्ट्रेशन परमिशन फॉर्म, इस पर सिंपली आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने। क्लिक करते ही कुछ आप लोगों की ये परमिशन, मेरा मोबाइल जो मांग रहा है उसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। आप लोगों को हो सके तो मांगेंगे तो अलाउ कर देना है, अगर नहीं मांगे तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को। सिंपली आप लोगों को ये पेज आप लोगों को यह डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली आप लोगों को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं देख लिए आप लोग, मैंने फॉर्म फिलअप करके और डाउनलोड कर चुका हूँ आसानी से।
आप लोग को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। सिंपली आप लोगों की इस प्रकार का फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म एग्जाम 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंपली आप लोगों को दिखाई दिया होगा ये सभी चीज़, आप लोग को मैं अब बताने जा रहा हूँ किस प्रकार ये फॉर्म फिलअप करना है। सिंपली यहाँ पर देख लीजिए 9th के लिए हैं, जो इस बार अगर 2022 में परीक्षा देना चाहते हैं 10th का, उसके लिए फॉर्म फिलअप है। सिंपली यहाँ पर आप लोग आसानी से देख सकते हो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। सिंपली आप लोगों को मैं यहाँ पर सभी चीज़ पूरा फुल डिटेल के साथ, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ये वीडियो फुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो। सिंपली आप यहाँ पर एक नंबर में देखिए कैटेगरी में क्या करना है, सिंपली सभी रेगुलर पर सेट कर देना है, क्योंकि जो भी न्यू है, जो भी 9th में इस बार एडमिशन कराया है उसके लिए सिर्फ रेगुलर होगा। अगर जो कोई प्राइवेट सेक्टर से आया जैसे कि CBSE बोर्ड से, तो सिंपली आप लोगों को प्राइवेट कर देना है। सिंपली जैसे कि ये तो फिलहाल सभी बिहार बोर्ड से ही होगा, तो इसमें रेगुलर पर आप सिंपली टिक कर देना है, इसमें यहाँ पर टिक कर देना है रेगुलर पर। उसके बाद यहाँ पर टिक करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, किसी कंप्यूटर की दुकान में जाकर ये फॉर्म आप लोगों को सिंपली निकलवा लेना है, मोबाइल से कंप्यूटर से निकलवा कर तब आप लोग को है फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे जाने के बाद दो नंबर में यहाँ देखिए स्कूल कोड इसमें लिख देना है, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 अंक का स्कूल कोड होता है, वो स्कूल कोड इसमें फिलअप कर देना है। और सिंपली आप लोगों को क्या करना है, स्कूल नेम इसमें फिल करना है, स्कूल का क्या नाम है इसमें फिल करना है। यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं दो कॉलम दिया है, दो लोग कॉलम में यहाँ पर ध्यानपूर्वक ये बात सुनने लगे हैं कि अगर आप लोग स्कूल का नाम या अपना नाम किसी का भी इसमें नाम लिखते हो तो सिर्फ कैपिटल लेटर में लिखना, और उसके बाद जैसे कि किसी का नाम है राम कुमार यादव, तो उसके बाद इसमें सिंपली आपको राम लिखना है सभी खाली में, उसके बाद कुमार लिखने से पहले एक खाली आप ब्लैंक छोड़ देना है उसके, जैसे कि RAM तीन हो चुका है, उसके बाद कुमार लिखना है तो एक स्टेप इसमें ब्लैंक छोड़ देना है, उसके बाद कुमार लिखना है, यादव लिखना है तो फिर एक छोड़ कर, इस प्रकार आप लोग को नाम लिखना है, चाहे स्कूल का नाम है या स्टूडेंट का नाम है या फादर का नाम है या पिता का किसी का नाम, ये ध्यानपूर्वक बात सुनने लायक था, सिर्फ कैपिटल में लिखना है। अगर किसी का स्कूल का नाम बड़ा है तो आप लोग को क्या करना है, सिर्फ शॉर्ट में स्कूल का नाम लिख देना है। सिंपली सबसे उससे पहले की इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर और आप लोग को बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक फ़ोटो आप लोग को लगेगा, वो फोटो आप लोग किस साइज़ में मांग रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, 3.5 cm × 3 cm ये आप लोग को फ़ोटो बना लेना है, कहीं पर जाकर कंप्यूटर के दुकान में आप लोग को फ़ोटो यहाँ पर सिंपली एक लगा देना, और सिंपली यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश में सिग्नेचर कर देना है, अगर चाहे तो आप लोग हिंदी में कर भी सकते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं इंग्लिश में बेस्ट होता है, इंग्लिश में आप लोग को मैं सजेशन दूंगा कि करिए आप लोग इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर में लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम इन इंग्लिश, आप लोग को स्टूडेंट का नाम लिखना है, जैसे कि आप लोग को बता दिया हूँ किस प्रकार आप लोगों को नाम इसमें लिखना है, एक स्टेप छोड़कर अगर राम है तो राम, उसके बाद एक स्टेप छोड़कर एक ब्लैंक इसमें छोड़कर कुमार लिखना है, उसके बाद यादव है तो यादव उस प्रकार लिखना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर नीचे में दिखाई देगा स्टूडेंट नेम इन हिंदी, आप लोग को हिंदी किस में लिखना है, तो आप लोग को हिंदी इसमें लिखना है, ये वाला जो है इसमें आप लोग को हिंदी में नाम लिखना है। उसके बाद नीचे में यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर में है मदर्स नेम इन इंग्लिश, मदर नाम भी उसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार अपना नाम लिखते हैं, एक ब्लैंक अगर किसी का नाम है, मान लीजिए कोई देवी है तो उसका पहले नाम लिख दीजिए, एक खाली इसमें छोड़िए उसके बाद देवी लिखी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आगे में लिखा हुआ है मदर्स नेम इन हिंदी, हिंदी में इसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार अपना नाम लिखे तो इसमें हिंदी में लिख देना है मदर का नाम। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 7 नंबर है फादर जी का नाम, सिंपली आप लोग को फादर जी का नाम भी लिख देना है, इसमें सिर्फ कैपिटल लेटर सभी होना चाहिए, और उसके बाद नीचे में हिंदी में लिखना है फादर जी का नाम, सही लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आप लोग को देख लीजिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोगों को फुल डिटेल में सभी जानकारी मिल जाएगा, अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को कहीं नहीं जाने का प्रॉब्लम होगा और आसानी से आप लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, सभी स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए 8 नंबर में आप लोग को सिंपली डेट ऑफ बर्थ भरना है, सबसे पहले अपना डेट दे देना है कितना तारीख को जन्म हुआ है, उसके बाद अगले ब्लैंक में आप लोगों को यहाँ पर महीना दे देना है, उसके बाद ईयर देना है, जैसे कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 22/1/2004 तो इसमें लिखना है सिंपली 22 तारीख, उसके बाद 01 महीना लिखना है तो 01 लिख कर लिखना है, अगर किसी का 10वां महीना है तो 10 लिख सकते हैं, इसमें किसी भी ब्लैंक को छोड़ना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उस कितना ब्लैंक दिया है आप देख सकते हैं 2, 2, 4, 4, 3, 7 यानी सिंपली 8 ब्लैंक दिया है, तो 8 ब्लैंक में आपको सभी भर जाएगा। जैसे कि मैं आप लोग को बता देता हूँ कि किसी का जन्म जो है 24 तारीख दुम्मा महीना 2024
सॉरी 2004 का हुआ है। तो इसी प्रकार आप लोग को इसमें सभी में फिलअप कर देना है। अगर किसी का जन्म जो है 10वां महीना में हुआ है तो फिलअप अपने आप सभी ब्लैंक हो जाएगा, नहीं तो अगर 9वां महीना से पहले है तो इसमें 0 लगाकर 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ देना है जो जिसका डेट ऑफ बर्थ महीना में होगा। उसके बाद आप लोग को बता दिया किस प्रकार डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए दिन महीना ईयर सभी चीज़ लिखा है किस प्रकार आप लोग को भरना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 10 नंबर में, यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर में यहाँ पर देख लीजिए सिंपली मेल है या फीमेल है, आप किस प्रकार का, अगर महिला है लड़की है तो फीमेल देना, अगर लड़का है तो सिंपली मेल में टिक कर देना। अगर कोई यहाँ पर है अलग तो आप लोग यहाँ पर अलग भी सेट कर सकते हैं, फिलहाल तो मेल फीमेल होता है सभी, आप लोग मेल फीमेल इसमें फिल कर देना, लड़का है तो सिंपली मेल में टिक कर देना है। और सिंपली इसके बाद 10 नंबर में देख लीजिए नेशनलिटी, यानी कि आप राष्ट्रीय इंडियन है या नहीं, अगर इंडियन है तो सिंपली इंडियन वाला में टिक कर देना है, इस प्रकार सही का निशान कर देना है। अगर अदर किसी दूसरा कंट्री से आए हो तो सिंपली अदर कर देना है, सभी इंडियन होगा उम्मीद है, सभी इंडियन होता है तो इंडियन में सिंपली क्लिक कर देना। उसके बाद 11 में क्या कहता है कास्ट कैटेगरी, यहाँ पर जनरल EBC BC SC ST, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं कि किस में हम फिलअप करें। अगर कोई अत्यंत पिछड़ा है तो आप लोग सिंपली EBC में सेलेक्ट करना, अगर कोई OBC के अंतर्गत आता है तो BC में सिंपली सेट करना है। यहाँ पर SC ST, यहाँ पर सिंपली इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर थोड़ा भी गलत करते हैं तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि इस बार अगले 1 साल पहले रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप जिस कैटेगरी से हो उसी में फिलअप करना है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग को बता दूँ कि जो भी SC ST कोटि के स्टूडेंट रहता है उसको अगर सेकेंड डिवीजन भी 10th में आ जाता है उसको 8,000 रुपया दिया जाता है गवर्नमेंट की ओर से, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिए और आसानी से फॉर्म फिलअप करिए, क्योंकि यहाँ पर गलती नहीं कर जाए। अगर जनरल है तो जनरल में टिक कीजिए, EBC तो EBC, BC तो BC, SC तो किसी एक में टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर 12 में देख लीजिए डिफरेंटियल एबल, यहाँ पर यहाँ पूछ रहे हैं कि या क्या आप विकलांग हैं, अगर विकलांग है तो 12 नंबर में यस कर देना, अगर यस करते हो तो आप लोग को पूछा जाएगा कितना परसेंट विकलांग का है, तो उसमें आप लोग को यहाँ पर परसेंट में लिखना पड़ेगा विकलांग का। अगर नहीं है विकलांग कोई तो आप सिंपली नो करके जा सकते हो, आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर जो विकलांग है तो यस में टिक कीजिए और कितना परसेंट है वो इसमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद चलिए 13 में यहाँ पर रिलीजन की बात कर रहे हैं, धर्म, क्या आप हिंदू से हैं या मुस्लिम से या सिख जैन बौद्ध क्रिश्चन या उधर, अगर जो धर्म से उसमें सिंपली आप लोग को एक सही का टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एरिया पूछ रहा है रूलर है या अर्बन, यहाँ पर भी विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं रूरल क्या है अर्बन क्या है, तो रूरल वो हुआ कि जो ग्रामीण से है, जो ग्रामीण से रहता है, जो गांव से रहता है उसका रूरल हुआ, जो शहर से होता है उसका अर्बन हुआ, तो सिंपली जो गांव से है सिंपली रूरल में सेट कर देना है, जो शहर से है अर्बन में सेट करना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप समझ गए होंगे रूरल अर्बन क्या होता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर पूछ रहा है 15 नंबर में मैरिटल स्टेटस, क्या आप शादी किए हैं, अगर शादी किए हैं तो सिंपली इसमें मैरिज में कर देना, अगर नहीं है शादी आप लोगों को हुआ तो नो करना है, सिंपली 9th में किसी का शादी नहीं हुआ रहता है तो सिंपली अनमैरिज कर देंगे, अगर किसी का हो चुका है लड़की का तो सिंपली आप लोग को मैरिज करना है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मैं सजेशन दूंगा कि उसका अनमैरिज कर दें, यहाँ पर देख लीजिए उसमें 16 नंबर में मोबाइल नंबर है, सिंपली अपना कॉन्टेक्ट नंबर ही देना, क्योंकि कोई भी अगर ईमेल आता है कोई भी मैसेज आता है सबसे पहले आप लोगों को मोबाइल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यहाँ पर जो बिहार बोर्ड की ओर से। यहाँ पर देख लीजिए मोबाइल नंबर कंपलसरी आप लोग को मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आधार नंबर में स्टार लगा हुआ है, तो आधार नंबर में स्टार लगने का मतलब ये हुआ कि अगर आधार नंबर देते हो तो भी ठीक है, अगर नहीं देते हो तो भी ठीक है। तो अगर मैं सजेशन दूंगा कि आधार कार्ड दे दीजिए, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ का आप लोग को चेक होता है डॉक्यूमेंट तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आधार कार्ड दिया है। सिंपली उसके बाद क्या करना है, आगे आप लोग को एक ईमेल आईडी इसमें फिल कर देना है। यहाँ पर आप लोग को सिंपली क्या करना है, आगे ईमेल आईडी फिल करना है, ईमेल आईडी कंपलसरी आप लोग को ईमेल आईडी देना जरूरी है। ईमेल आईडी आप लोगों से अगर नहीं बनाना आता है तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो मेरा वही ईमेल आईडी से होगा और आप लोग को बताऊंगा किस प्रकार अपने मोबाइल से खुद, अगर आपके परिवार में किसी के पास मोबाइल है तो आप आसानी से ईमेल आईडी बना सकते हो, 2 मिनट का काम है, ईमेल आईडी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप लोग को एक मालूम होना चाहिए कि कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो हर एक चीज़ में ईमेल आईडी काम आता है, तो आप लोग को मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इसलिए सबसे पहले इस चैनल पर न्यू है तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब का निशान मिलेगा उस पर क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सिंपली साइड में बेल आइकन को ऑप्शन मिलेगा उस पर भी ऑन
कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैं वो वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देखकर ईमेल आईडी बनाना सीख लीजिए। 2 मिनट का काम है, आप लोग को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा उसमें सिंपली। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 19 नंबर में एड्रेस मांग रहा है। सिंपली आप लोग को इसमें विलेज VILL लिख कर माइनस की चिन्ह देना है कॉलम में। उसके बाद जो गाँव का नाम है सिंपली एक स्टेप बाय स्टेप लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सभी चीज़ लिख देना है, विलेज लिखना है, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, और उसके बाद पिन कोड लिखना है और डिस्ट्रिक्ट भी लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली फिर से मांग रहा है पिन कोड, इसमें भी पिन कोड आप लिख सकते हो। यहाँ पर जो पिन कोड होता है अपना पिन कोड दे दीजिए, अपना एरिया का होता है जो भी एरिया का 5 अंक का कोड होता है वो एरिया का कोड दे दीजिए पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 20 नंबर में बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा है, स्टार लगाए। अगर बैंक चाहते हो तो दे भी सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं। ये देने से ये फायदा होगा कि अगर आप लोग का 9th में या कोई भी स्कॉलरशिप मिलता है या कोई भी गवर्नमेंट की ओर से राशि दिया जाता है तो आप लोगों को डायरेक्ट अकाउंट में भेज दिया जाएगा। आप लोगों से अकाउंट नंबर नहीं मांगेगा कि आप लोग अकाउंट दीजिए, आप लोग का अकाउंट नंबर और IFSC कोड पहले से फिलअप होगा फॉर्म में, उसी अकाउंट नंबर पर आप लोगों को भेज दिया जाएगा। तो मैं सजेशन दूंगा कि अपना अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद अकाउंट नंबर लिख दीजिए इसी में, उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड लिखना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में देख लीजिए 22 नंबर में है बैंक नेम ऑफ बैंक, यहाँ पर किस बैंक में आपका अकाउंट है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 23 में देख लीजिए, 23 में यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी, यहाँ पर देखिए 2 इंडिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर अगर कोई भी स्टूडेंट है वो जो 9th में रजिस्ट्रेशन करवा रहा है उसका शरीर के कोई 2 निशान बताइए, अगर कोई किसी का शरीर में कटा खुटा या कोई तिल का निशान है तो वो भी इसमें लिख दीजिए, या इसमें 2 में कम से कम 2 लिखना पड़ेगा आप लोगों को, जैसे किसी के चेहरा पर एक तिलवा के निशान। तो सिंपली आप लोग को लिख देना ए मोल मार्क ऑन द फेस, ये सब लिख देना है, ए मोल मार्क ऑन द फेस तिलवा के निशान है तो ये लिख देना है। सिंपली आप लोग आगे बढ़ जाना है। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने में बहुत स्टूडेंट का दिक्कत होता है, यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, इसी में प्रॉब्लम में फंस जाता है कि कौन सब्जेक्ट ले नहीं ले। यहाँ पर 24 में देख लीजिए सब्जेक्ट ऑफर्ड, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सजेशन दूंगा कि आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। नोट टिक एनी वन ऑप्शन इन द सब्जेक्ट सेशन 24, 1, 2 और 4, यहाँ पर सिंपली आप लोग को एक टिक करना है 24 नंबर के पहला में, दूसरा में और चौथा में, सिंपली एक एक टिक करना है। अगर तीसरा की बात करें तो तीसरा में सभी को टिक करना पड़ेगा, सभी ऑप्शन को। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। अगर सिंपली यहाँ पर 24 के 1 देख लीजिए MIL यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपली आप लोग अगर हिंदी रखना चाहते हो और संस्कृत रखना चाहते हो तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, हिंदी में टिक कर देना और सेकेंड वाला में यहाँ पर संस्कृत में करना है। सिंपली एक एक टिक करना है दोनों खाड़ी में से ऊपर नीचे में। अगर कोई स्टूडेंट मैथिली रखना चाहते हैं तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, मैथिली में टिक करना है। यहाँ पर आप लोग को संस्कृत में नहीं टिक करना है, अगर मैथिली रखते हो तो सिंपली मैथिली पे क्लिक करके यहाँ पर हिंदी वाले में टिक कर दीजिए, वो इसका मैथिली और हिंदी हो चुका है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हिंदी मैथिली में अच्छा मार्क आता है। अगर जो संस्कृत रखना चाहते हो और यहाँ पर संस्कृत कीजिए, यहाँ पर हिंदी कीजिए। उसके बाद आप लोग समझ चुके होंगे कि दोनों में एक एक विषय, 2 विषय हो चुका है आप लोगों को। और सिंपली 23 नंबर की बात करें कंपलसरी फॉर विजुअली इम्प्रेड, यहाँ पर देख लीजिए कंपलसरी में यहाँ पर आप लोग को सभी चीज़ रखना ही पड़ेगा, मैथ रखना पड़ेगा, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, ये सभी चीज़ आप लोगों को रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए फॉर विजुअली इम्प्रेड, आप लोग को इसमें अगर आप लोग कोई दिव्यांग कोटा से हैं तो यहाँ दोनों एक्स्ट्रा विषय रख सकते हो। अगर यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर रख सकते हो, अगर नहीं रखना चाहते तो कोई जो यहाँ पर विकलांग कोटी है वही सिर्फ ये विजुअली इम्प्रेड में रख सकते हैं, नहीं तो दूसरा नहीं रख सकते। यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर में है ऑप्शनली, ये ऑप्शनली एक्स्ट्रा यानी ऐच्छिक विषय, जो एक्स्ट्रा विषय रखना चाहते हैं। यहाँ पर यह सजेशन दूंगा कि सभी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रख लीजिए, अगर किसी भी इसमें सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाते हो, अगर आप लोग एक्स्ट्रा में पास कर जाते हैं तो आप लोगों को वो मार्क उसमें आप लोगों को जोड़ दिया जाएगा और आप लोग को सिंपली 10th में पास करवा दिया जाएगा। तो ये बात ध्यानपूर्वक सुनने लायक था, आप लोग को मैं बता चुका हूँ किस प्रकार आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना। यहाँ हम किसी एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे जो सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, यहाँ पर एडवांस मैथ भी रख सकते हैं, कॉमर्स भी रख सकते हैं, मैथिली भी रख सकते हैं, म्यूजिक भी रख सकते हैं, संस्कृत भी रख सकते हैं, कोई एक सब्जेक्ट इसमें आप लोग को चूज कर लेना। मैं सजेशन दूंगा चूज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग इसमें किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आप लोग अगर इसमें पास है तो आप लोग को सिंपली आप लोगों को पास करा दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए पंजीयन आवेदन में मेरा द्वारा भरा गया सभी विवरण सत्य हैं, यहाँ पर देख लीजिए सभी चीज़ लिखा हुआ है।
इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कैंडिडेट का इसमें हिंदी में सिग्नेचर कर देना है। जो भी स्टूडेंट है वो अपना सिग्नेचर करेंगे इसमें जाकर, यहाँ पर हिंदी में कर देना है, उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में कर देना है, सभी चीज़ यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ आप लोग को कर देना है। उसके बाद यहाँ पर गार्जियन का सिग्नेचर इसमें कराना है, अगर गार्जियन का सिग्नेचर नहीं होता है तो यहाँ पर अपना औंठा निशान भी दे सकते हैं, यहाँ पर गार्जियन है तो गार्जियन का, नहीं तो अगर पेरेंट माता पिता है तो उसका भी सिग्नेचर यहाँ पर करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट सिग्नेचर यहाँ पर लिखा, आपको बता दिया यहाँ पर पेरेंट सिग्नेचर लिखा हुआ। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आप लोग को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए इस पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली आप लोगों को प्रिंसिपल सर, आप लोगों को हाई स्कूल का जो प्रिंसिपल हेड सर है वह सिग्नेचर करेगा, और सिंपली आप लोगों को ये करके आप लोगों को सिंपली अपने स्कूल में जाकर जमा कर देना है। यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनने लायक बात, यहाँ पर फोटो भी चिपकाना है और सिंपली आप लोगों को फॉर्म जमा कर देना है, और सिंपली आप लोगों को चार्ज कितना लगेगा, तो शायद 320 रुपया चार्ज रखा है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है कि कितना रुपया आप लोगों को चार्ज होता है लगता है, तो इस वीडियो को लास्ट में आप लोग को यहाँ पर देख लीजिए दिखाई देगा हो दिया होगा, या आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए वो भी वीडियो देख लीजिए, या हमारे कम्युनिकेटिव पोस्ट में कोई भी न्यू अपडेट आता है तो हमेशा इस पर सबसे पहले अपडेट कर देता हूँ कम्युनिकेटिव पोस्ट में, तो आप लोग इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।